हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 24 जून 2022 और हर रोज़ की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2023 को लेकर सभी 10 के 10 आईपीएल टीमों के रिगार्डिंग 8 काफ़ी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं। इसके साथ ही भारत इंग्लैंड और भारत आयरलैंड सीरीज़ के रिगार्डिंग भी हमारे सामने काफ़ी बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, जो कि अगर आप लोग क्रिकेट और आईपीएल के बड़े फैंस हैं तो फिर आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं और ये निकल कर आ रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की तरफ से। हमने आपको बताया था कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अपने कोचिंग स्टाफ के रिगार्डिंग लगातार ट्राई कर रही है और अब न्यूज 9 के हवाले से खबर है कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने वीरेंद्र सहवाग से कॉन्टैक्ट किया था और उनसे ना सिर्फ कॉन्टैक्ट बल्कि इन्होंने वीरेंद्र सहवाग को कुछ पैसे भी ऑफर किए थे, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम चाहती है कि वो अब जिस तरीके के कोच को अपनी टीम में लेकर आए वो थोड़ा सा अग्रेसिव हो और वो एक अग्रेसिव अप्रोच इनके माइंडसेट में लेकर आए, इनके प्लेयर्स के माइंडसेट में लेकर आए। तो इन्हीं सब के रिगार्डिंग वीरेंद्र सहवाग से कांटेक्ट तो किया गया था लेकिन वो बात नहीं बन पाई, शायद कुछ पैसों के चक्कर की वजह से। कोलकाता नाइट राइडर्स और वीरेंद्र सहवाग के बीच में हमें डील होते हुए देखने को नहीं मिली। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों के हिसाब से किसको बनना चाहिए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का हेड कोच। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में और ये निकल कर आ रही है सुरेश रैना की तरफ से, जहां पर बताया जा रहा है कि इवन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम भी इस बार के ऑक्शन में आप लोगों को सुरेश रैना के ऊपर बिडिंग करते हुए नजर आएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आरसीबी की टीम के पास ऑलरेडी उनके नंबर 3 नंबर 4 सॉर्टेड है, तो आरसीबी की टीम क्यों इनके ऊपर बिडिंग करेगी। दरअसल दोस्तों आरसीबी की टीम आउट ऑफ रिस्पेक्ट सुरेश रैना को मिनी ऑक्शन में इस बार पिक करना चाह रही है, क्योंकि पिछले बार के ऑक्शन में अनसोल्ड चले गए थे और ऐसे में काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया था चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को कि सुरेश रैना को आखिर उन्होंने पिक क्यों नहीं किया, क्योंकि उनके बेस प्राइस में ही वो उनको पिक कर सकते थे। लेकिन अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम इस बार के मिनी ऑक्शन में आपको ऐसा करते हुए देखने को मिलेगी। अगर कोई भी टीम इनके ऊपर बिड नहीं करती है तो फिर आरसीबी भी उन टीमों की लिस्ट में है जो कि सुरेश रैना को आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनके बेस प्राइस में अपनी टीम में शामिल करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में और ये निकल कर आ रही है गुजरात टाइटन्स की टीम के टारगेट प्लेयर्स के रिगार्डिंग। आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो में आप लोग कौन से टीम के टारगेट प्लेयर्स के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन आपको बस ध्यान ये रखना है कि जिन टीमों के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं उनके बारे में हम वापस से नहीं बताएंगे। सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं और आज की वीडियो में हम आपको गुजरात टाइटंस के टारगेट प्लेयर्स के बारे में बताएंगे। तो गुजरात टाइटंस की टीम आईपीएल की चैंपियन है और ऐसे में बहुत ज्यादा कमजोरी हमने देखी नहीं थी इनकी पूरी टीम में, हालांकि थोड़ी बहुत दिक्कतें जीटी की टीम को इनके टॉप ऑर्डर से रही होंगी। लेकिन अगर बात करें बॉलिंग डिपार्टमेंट की और उसके साथ ही मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर की, तो वहां पर तो इस टीम ने काफी कमाल का परफॉर्मेंस किया था। तो ये टीम एक तरीके से सिर्फ बैकअप प्लेयर्स को लेने के लिए ही इस बार के ऑक्शन में उतरेगी और बहुत ज्यादा छेड़खानी आपको अपनी टीम से करते हुए नजर नहीं आएंगे। टारगेट प्लेयर्स की बात की जाए तो बेन स्टोक्स, उनके साथ ही दिनेश बाना और उनके साथ ही पॉल स्टर्लिंग, इन तीनों ही प्लेयर्स के ऊपर इनकी फिलहाल नजर बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट और ये निकल कर आ रही है भारत और जो भारतीय टीम एक प्रैक्टिस मुकाबला आप लोगों को खेलते हुए देखने को मिल रही है, उस प्रैक्टिस मुकाबले को बिल्कुल फ्री में आप लोग लाइव देख सकते हैं। और ये प्रैक्टिस मुकाबला अगर आप लोग चाहते हैं कि बिल्कुल में फ्री में इसको किस तरीके से लाइव देखा जाए, तो इसका जो लिंक है वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दिया है। तो आप लोग अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आप लोग इस लिंक को डायरेक्टली एक्सेस कर पाओ और वहां पर आप लोग इस मुकाबले को लाइव देख पाएंगे। विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा से लेकर ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह, सारे जितने के बड़े भारत के प्लेयर्स हैं वो सभी एक तरीके से पूरी की पूरी भारतीय टीम इस मुकाबले में आपको खेलते हुए देखने को मिल रही है। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट के बारे में और ये निकल कर आ रही है जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड है इनके साथ ही जो सीपीएल वहां पर होता है, यानी कि कैरिबियन प्रीमियर लीग, वो एक नया ही कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं क्रिकेट में और एक टूर्नामेंट वो जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम रखा गया है T60। और इसके रूल इतने ज़्यादा अजीब हैं कि मुझे सोचना पड़ रहा है कि मैं इनके रूल्स को आपके सामने कैसे एक्सप्लेन करूं। लेकिन इसके रूल्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं क्या इस लीग के रूल रहने वाले हैं। सबसे पहले इनके हिसाब से सिर्फ 2 ही ओवर का पावर प्ले होने वाला है और 2 ओवर का पावर प्ले 3 ओवर का भी हो सकता है अगर आप लोग पहले 2 ओवर में 2 से ज़्यादा छक्के लगा दें, यानी कि 2 ओवर का पावर प्ले होगा लेकिन अगर आपने पहले 2 ओवर में ही 2 से ज़्यादा छक्के लगा दिए तो फिर आपका पावर प्ले बढ़ाकर 3 ओवर का कर दिया जाएगा, जो कि एक
अजीब तरीके की चीज़ है। इसके बाद दूसरा रूल ये है कि हर एक टीम के पास सिर्फ 6 ही विकेट्स होंगे, यानी कि जैसे ही किसी भी टीम का 6ठा विकेट गिरता है तो वो टीम ऑल आउट करार दे दी जाएगी और उस टीम की पारी वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। अब ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि क्या अगर 6 विकेट ही गिरते हैं तो फिर क्या 7-7 प्लेयर ही हमें एक टीम में देखने को मिलेंगे। अगर इसके रिगार्डिंग हमारे सामने कोई और रूल चेंजेस या फिर अपडेट निकल कर आती है तो हम आपको चैनल के ऊपर बता देंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसके जो रूल्स हमने आपको बताए हैं उसके बारे में। फिलहाल गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की 6ठी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है टॉम मूडी की तरफ से। टॉम मूडी जो कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के साथ अफिलिएटेड है, उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को लेकर एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि SRH की टीम जो है वो हमें हमेशा से ही कागज के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है, लेकिन वो अपने परफॉर्मेंस को उस तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग SRH की टीम ने जो भारतीय कोर के प्लेयर्स हैं जैसे कि वॉशिंगटन सुंदर और उनके साथ ही राहुल त्रिपाठी, इनको इनके फुल पोटेंशियल के हिसाब से यूज नहीं किया। इनका मानना है कि वॉशिंगटन सुंदर एक बहुत ही हैंडी ऑलराउंडर हैं और उनके साथ ही राहुल त्रिपाठी को भी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को ओपनिंग करवानी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। और ऐसे में जो भी इनके इन्फॉर्म प्लेयर थे उनको आप लोगों ने एक तरीके से प्लेटफॉर्म पूरा प्रोवाइड नहीं किया जिससे कि वो अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक कर पाएं। और इनके अकॉर्डिंग अगर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को आगे जाना है तो फिर इनको अपनी इंडियन कोर और इंडियन प्लेयर्स के ऊपर ट्रस्ट दिखाना ही पड़ेगा। जैसे केन विलियमसन फॉर्म में नहीं थे तो उनकी जगह राहुल त्रिपाठी से ओपनिंग करवा सकते थे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए क्या आप लोग इनके इस ओपिनियन से सहमत हैं या फिर नहीं। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की 7वीं बड़ी अपडेट की तरफ, और ये निकल कर आ रही है एक बार फिर से BCCI और विराट कोहली के रिगार्डिंग। BCCI बिल्कुल भी खुश नहीं है विराट कोहली से। जो विराट कोहली के साथ अभी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ था कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलने से पहले मॉलडीव चले गए थे और वहां पर वो वेकेशन पर थे, तो ऐसे में अपनी फैमिली के साथ जब वो वहां से वापस लौटे तो कोविड पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद भारतीय टीम के साथ वो जुड़े, हालांकि रिकवर होने के बाद। लेकिन उसके बाद BCCI को इस बारे में पता चला तो बिल्कुल भी खुश नहीं थे विराट कोहली की इस वेकेशन से, क्योंकि अगर विराट कोहली रिकवरी वाले फेज में ही भारतीय टीम के साथ जुड़ गए तो वहां पर अगर कोविड का केस आ जाता तो फिर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती, क्योंकि विराट कोहली का जो प्लान था वो शेड्यूल्ड था कि वो 24 तारीख से जो प्रैक्टिस मुकाबला है उसमें भारतीय टीम के साथ जुड़ेंगे, जिससे वो एक्चुअली कल से ही जुड़ गए। तो ऐसे में विराट कोहली के इन प्लान्स को लेकर और इन वेकेशंस को लेकर BCCI उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की 8वीं और आखिरी अपडेट के रिगार्डिंग, और ये निकल कर आ रही है जो प्रैक्टिस मुकाबला भारतीय टीम अभी करेंटली हमें खेलते हुए देखने को मिल रही है, जिसमें एक टीम में तो भारत के ही प्लेयर्स हैं लेकिन दूसरी टीम में हमें भारत के भी कुछ प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं जो कि इंग्लैंड का एक क्लब है। तो ऐसे में ये जो लाइव मुकाबला है ये हमें YouTube के ऊपर ही देखने को मिल रहा है, और इस मुकाबले में कल एक नया ही रिकॉर्ड बन गया जहां पर जब विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आए तो उस टाइम पर 80,000 यानी कि 80K लोग लाइव इस मुकाबले को देख रहे थे YouTube के ऊपर, और ये प्रैक्टिस मैचेस की हिस्ट्री में एक नया ही रिकॉर्ड बन चुका है, क्योंकि आज तक कभी भी प्रैक्टिस मुकाबले में इतनी एक ही टाइम पर लाइव व्यूइंग हमें देखने को नहीं मिली है। मतलब ये इतना बड़ा नंबर है कि इतने तो शायद दुनिया के कई जो मशहूर T20 लीग्स हैं उनकी एक टाइम पर लाइव ऑडियंस आती होगी, लेकिन 80,000 लोग एक टाइम पर इस मुकाबले को लाइव देख रहे थे। और विराट कोहली का विकेट जैसे ही गिरा उसके बाद 15,000 लोग कम हो गए, यानी कि ये गिरकर 65,000 पर आ गया था, जिसका मतलब है कि जो पीक व्यूअरशिप थी वो हमें 80,000 देखने को मिली, जो कि अपने आप में ही भारतीय टीम की पॉपुलैरिटी के बारे में बताता है कि कितने ज़्यादा फैंस जो हैं भारतीय क्रिकेट टीम के वो इतने पागल हैं कि 80,000 लोग प्रैक्टिस मुकाबले को लाइव देख रहे थे एक ही मोमेंट पर। तो गाइज ये वीडियो ही तक थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब, इसके साथ ही कमेंट करके आप लोग बताइए अगली वीडियो आप लोग कौन सी टीम के ऊपर देखना चाहते हो। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।